हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम एजुकेशन के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन टाइमली लेकर आपके पास में आते रहते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हम आपकी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी एक ऐसी हेल्प हो जाए जिससे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान कर रही है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर रही है और आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी कंप्लेंट करना चाहते हैं, देखिए दो प्रोसेस हैं। पहले तो आप अपनी कंप्लेंट को यूनिवर्सिटी के अंदर करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम की सुनवाई नहीं होती है, देन फिर आप यूजीसी के अंदर अपनी कंप्लेंट करेंगे। सीधा यूजीसी के अंदर कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी कंप्लेंट को अपनी जेन्युइनली तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बताना है, ठीक है? तो वो कैसे करना है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो आज हम आपको बताएंगे। हर यूनिवर्सिटी का माय फ्रेंड्स एक ग्रीवेंस सेल होता है, ठीक है? जिसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, उनकी कमेटी होती है, हेड होता है, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है? उस डिपार्टमेंट के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट जो है करनी होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलरली पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आप अपने ग्रीवेंस सेल के अंदर जाकर जो भी आपकी कंप्लेंट है उसको रिटर्न में आप दे सकते हैं, ठीक है? हर यूनिवर्सिटी की कुछ ईमेल आईडीज होती हैं, आप चाहे तो अपनी कंप्लेंट्स को उनको मेल भी कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज का ऑनलाइन एक पोर्टल बना हुआ होता है, उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाकर आप अपनी सबमिट कर सकते हैं प्रॉब्लम को, अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब कुछ डाल के, डिटेल्स को डालकर आप जो सबमिट कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को है जो यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते हैं। तो कहीं ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अपने अलग प्रोसेस होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी ईमेल आईडी दी होती है, आपको उस पर मेल करना होता है। अगर एक बार में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप रिमाइंडर ईमेल भी मार सकते हैं, सो दैट आपके पास में एक प्रूफ रहेगा कि भाई आपने अपनी कंप्लेंट को दर्ज किया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बारे में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। तो ईमेल आईडी पर मेल करना तो आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में फिजिकली कंप्लेंट करते हैं, मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और आपको जाकर एक लेटर आपने लिखा, आपकी जो कमेटी है उसने बोला कि भी ठीक है जो भी आपकी कंप्लेंट है आप एक लेटर लिखकर दे दो, तो जो आप एक लेटर अपना लिखकर देंगे उसकी रिसीविंग जरूर लेना डेट के साथ में, उनकी स्टैंप लगाकर। उससे क्या होगा कि उससे भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो मान लीजिए यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, अब स्टिल आपको कंप्लेंट करनी है, तो आप अपनी कंप्लेंट यूजीसी में कर सकते हैं। UGC.AC.IN जो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे तो एक स्टूडेंट कंप्लेंट बॉक्स बना हुआ है, उस कंप्लेंट बॉक्स पर जाकर आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको दर्ज कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि कंप्लेंट दर्ज करते ही आपको सुनवाई मिल जाएगी, बट हाँ, एक ऑफिशियल कंप्लेंट करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो यही है। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये अपडेट पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस हम आपके पास में लेकर आते रहते हैं। स्टिल अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अस। बहुत बहुत धन्यवाद।